Hi everyone, so today I'm here with chapter number 2 and the name of the chapter is Tsunami. एंड हम सब जानते हैं सुनामी क्या है. बहुत ही भयंकर, इसको बोलते हैं ना, इट्स ऑफुल, टेरिबल नेचुरल डिज़ास्टर, हम ये बोल सकते हैं. और जब हम सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे हाउ टू स्पेल इट. सो विल स्टार्ट विथ टी. सो टी इज़ साइलेंट हेयर, ठीक है. इसको कुछ ऐसे नहीं, जैसे एकदम नया वर्ड आता है तो हम कर देते हैं टी सुनामी. सो इट्स सुनामी, बट यस, when we are supposed to write it, to spell it, we'll always mention T. Okay? जब हम लिखेंगे और जब हम spellings कोई हमसे पूछेगा तो हम T को mention करेंगे, but बोलते time T silent रहेगा. So tsunami. और ये एक Japanese word है tsunami, and दो words को मिलकर मिला है, SU plus NAMI. So su का मतलब है harbor and nami means wave. तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें जिसको हम बोलते हैं. सो लेट्स सी, पहले हम चैप्टर से पहले यहाँ पे हमारे पास है बिफोर यू रीड, वो पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें जानने को मिलता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी. सो सुनामी क्या है? बहुत लार्ज, बड़ी बड़ी और पावरफुल स्ट्रोंग वेव है, ठीक है. और ये क्यों होती है? समुद्र के नीचे अर्थक्वेक की वजह से. अर्थक्वेक मतलब भूकंप. जब समुद्र के नीचे की जगह हिलती है तो उससे पैदा होते बहुत बड़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग लहरें, और उनको हम बोलते हैं सुनामी. ऑन 26 December 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट. 2004 में सुनामी आई थी और थाईलैंड और कुछ पार्ट्स, इंडिया के कुछ पार्ट्स को इसने हिट किया था. तो अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया थे वहाँ पे इसने बहुत डिस्ट्रक्शन किया था, बहुत तबाही मचाई थी. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. अब इस चैप्टर में हम देखने जाएंगे स्टोरीज साहस की, जिन्होंने कैसे सुनामी से अपनी लोगों की जान बचाई और किस तरह से उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया. डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग. यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या एनिमल्स को पता चल जाता है, उनको सेंस, जैसे बोलते हैं ना कि सिक्स सेंस उनकी बता देती है कि कुछ होने वाला है, सुनामी आने वाली है. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. तो इसमें हम इसी चैप्टर में कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे जिनसे ये बात लगेगी कि हाँ, ऐसा एक्चुअल में होता है. एक्चुअली मैंने भी ये सुना है, हमारे जैसे दादी नानी मामा पापा से सुना है कि एनिमल्स को ना पता चल जाता है. जैसे अर्थक्वेक आना होता है तो कहते हैं कि अगर सडनली आपको रात के टाइम अगर एकदम से जो डॉग्स हैं दे स्टार्ट बार्किंग और जो पक्षी हैं वो स्क्रीम करना शुरू कर दें, तो ऐसा लगता है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाली है. सो मैंने भी सुना है. सो लेट्स फाइंड द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलैगो. ये स्टोरीज कहाँ से हैं? अंडमान और निकोबार के. आर्किपिलैगो क्या है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है. बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आर्किपिलैगो. जैसे हम बोलते हैं ना अ हर्ड ऑफ कैटल, राइट, अ बंच ऑफ कीज. उसी तरह जब ग्रुप में हम आइलैंड्स की बात करेंगे, बहुत सारे आइलैंड्स की बात करेंगे, तो हम उनको बोलेंगे आर्किपिलैगो. तो ये जो स्टोरी है वो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के बारे में है. वहाँ के आइलैंड्स में जब सुनामी आई थी तो क्या क्या हुआ था. इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल. अब इग्नेशियस ये कैरेक्टर का नाम है, वो कौन था? वो कचौल. कचौल जो है वो वहीं पे एक आइलैंड का नाम है. तो वहाँ पे वो अंडमान निकोबार में कचौल नामक एक आइलैंड पे वो क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं कि एक स्पेसिफिक जैसे गोल को लेकर सारे लोग एक ग्रुप में टुगेदर वर्क करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके मोटिव्स रहते हैं, ठीक है. तो वो वहाँ का मैनेजर था. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM. उसकी बीवी ने उसको 6 बजे उठाया, सुबह के 6 बजे, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. उसको लगा कि अर्थक्वेक हुआ है. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. इग्नेशियस ने क्या किया, उसने
सावधानी से अपना टीवी जो है टेलीविजन सेट था वो टेबल से उठा के नीचे रख दिया ताकि वो गिरे ना और वो टूट ना जाए। ऑब्वियसली जब अर्थक्वेक आता है तो पूरा हिलता है, तो उसने एज अ प्रिकॉशन क्या किया, अपना टेलीविजन जो था वो उठा के टेबल से नीचे रख दिया उसको तोड़ने, उसको टूटने से बचने के लिए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। व्हेन द ट्रिमोर स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। नेचुरली जो लोग थे, फैमिली थे, वो फैमिली के लोग बाहर भागे, ठीक है, घर से बाहर, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती थी। अर्थक्वेक जब आता है तो सभी को बोला जाता है कि घर से बाहर निकलो, बिल्डिंग से बाहर निकलो, अगर आप नहीं निकल सकते तो कोने में कहीं भी खड़े हो जाओ। तो वो सभी एकदम से रश्ड आउट, मतलब भागते हुए स्पीड से बाहर निकले। व्हेन द ट्रिमोर स्टॉप, अब ये ट्रिमोर्स क्या हैं, झटके, ठीक है, झटके जब रुके। दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो ऊपर उठ रहा है, मतलब उसका जलस्तर बढ़ रहा है। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो सामने उनको दिख रहा है कि कुछ बहुत गंदा वाला भयंकर हो रहा है, क्योस होता है अफरा तफरी में, है ना, भागम भाग में, डर के और कन्फ्यूजन, वही अफरा तफरी मची हुई है। तो उसके दो बच्चे, ज़्यादा बच्चे हैं, उनमें से दो बच्चों की बात हो रही है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मामा के पापा, मतलब अपने नाना का और मामा के ब्रदर, अपने मामा का हाथ पकड़ और भागना शुरू किया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से सी दिख रहा है आते, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने दोबारा उनको कभी नहीं देखा, ना तो अपनी वाइफ के पापा को, ना अपनी वाइफ के भाई को, ना उन दोनों बच्चों को, मतलब वो बह गए पानी में। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी बह गई पानी में, स्वेप्ट अवे जैसे पानी आया और सब कुछ बहा के ले गया। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव, सिर्फ जो तीन और बच्चे थे जो उसके साथ आए थे वो उस वक्त तक बचे हुए थे। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब हमारी एक स्टोरी ख़त्म हुई, ठीक है, बताया गया कैसे कैसे वो फैमिली के कुछ मेंबर्स जो थे वो डूब गए और कुछ बचे। अब हम नेक्स्ट स्टोरी है, हमारे एक पुलिस मैन है जिनका नाम संजीव है और वो कचौल के आइलैंड में, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, मतलब जो कचौल है वो कहाँ था, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड था, तो वहाँ पर वो एज अ पुलिस मैन सर्व कर रहे थे। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को, अपनी वाइफ को और छोटी सी बच्ची को तो बचा लिया। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. संजीव jumped into the water to rescue her. पर खुद तो वो बच चुके थे, सेफ थे, लेकिन फिर उन्होंने आवाज़ सुनी हेल्प हेल्प की, चिल्लाने की, किसकी थी वो, वाइफ ऑफ जॉन। जॉन कौन था, जो गेस्ट हाउस में कुक काम कुक था, एज अ कुक, तो उसकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो संजीव पानी में कूदे उसको बचाने के लिए। एज अ ह्यूमन बींग भी ये ड्यूटी रहती है और वो पुलिस मैन थे तो उनकी और भी जैसे डबल ड्यूटी बन गई कि वो उनको बचाते। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों डूब गए, जॉन की वाइफ और संजीव दोनों डूब गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. अब एक और लड़की की बात की जा रही है, ठीक है, एक और स्टोरी आई बीच में कि 13 साल की लड़की जो मेघना थी वो भी बह गई अपने पेरेंट्स के साथ प्लस 77 और लोगों के पास। तो आप देख सकते हो कितने लोग बह रहे हैं। सो सुनामी बहुत ही बड़ी, एक जैसे बोलते हैं ना, इट्स डिजास्ट्रस थिंग। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. अब जो मेघना थी वो 2 दिन तक लगातार समुद्र में बहती रही, वो एक वुडन डोर को पकड़ के, उसको जकड़ के रही, तो वो उस, मतलब समुद्र में वो बहती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स घूमते हैं, जब देखते हैं वो कोई है जिसको बचाया जा सके, वो 11 बार उसने देखा, बट उन्होंने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर से वो उसको नहीं देख सके। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। एक लहर ने ही उसको उठा के सी शोर के साइड में फेंक दिया था, पटक दिया था, मतलब वहाँ पे लहर ही उसको वहाँ पे ले आई थी। और वो कहाँ पे लोगों को मिली थी, वो ऐसे, मतलब सी शोर पे, समुद्र के किनारे ऐसे डेज, मतलब
बहुत ही ज़्यादा मतलब एब्सेंट माइंडेड प्लस कंफ्यूज्ड, डरी हुई, शॉकिंग अवस्था में वो चलती हुई वहाँ पे मिली थी। डेज होता है अनेबल टू थिंक और रिएक्ट प्रॉपरली ड्यू टू शॉक। ऑब्वियसली उस लड़की ने, छोटी सी बच्ची ने इतना कुछ देखा आंखों के सामने, तो उसकी जो मेंटल सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अब एक और स्टोरी हमें पता लगेगी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। अब एक और लड़की यहाँ पे उसका बता रहे हैं कि जो अलमास जावेद थी वो 10 साल की थी और वो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल जो पोर्ट ब्लेयर में था उसकी स्टूडेंट थी और उसके पापा का वहाँ पे पेट्रोल पम्प था। हर मदर रही लास्ट होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड। अब एक और यहाँ पे आइलैंड इंट्रोड्यूस हुआ है, नैनकाउरी आइलैंड, ठीक है। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो फैमिली वहाँ पे क्यों गई थी? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। जब ना वो झटके, अर्थक्वेक के झटके सुबह सुबह जल्दी आए ना मॉर्निंग में, तो वो सब सो रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अलमा के पापा ने देखा कि जो समुद्र का पानी है रिसीड होता है, मतलब वो आगे आने की बजाय वो पीछे जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। सो एक ये भी एक लॉजिक है, जब कोई चीज़ ऐसे पीछे जाती है तो वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ फिर आगे को आती है, तो ऑब्वियसली वो समझ गए कि पानी बहुत फोर्स के साथ आगे आएगा। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सबको जगाया और भाग के किसी सेफ जगह पर जाने की कोशिश की। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। वो भाग रहे थे तो जो अलमा के ग्रैंडफादर हैं उनके सर पे कुछ भी लगा, क्योंकि अर्थक्वेक था, कुछ भी ऊपर से कोई कुछ गिरा होगा और वो गिर गए नीचे। अब अलमा के पापा जो वो भागे अलमा के दादा की हेल्प करने, और देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और तभी बड़ी सी जाइंट, बहुत बड़ी सी वेव आती है और दोनों को भाग कर ले जाती है। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अब अलमा की मम्मा और उनकी जो आंट थी बाकी, वो सब ना ऐसे एक कोकोनट ट्री था उनके पत्ते पकड़ के खड़ी हुई हैं और उसको बुला रही हैं कि तू भी हमारे पास आ जा। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। एक और वेव आती है और वो ट्री को जड़ से उखाड़ के ले जाती है और वो सारे जो भी वहाँ पे खड़े थे वो भी साथ में बह जाते हैं। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमा ने देखा कि एक लकड़ी का जो वुड लॉग है, मतलब लकड़ी का इतना बड़ा कुछ भी, जैसे वो लॉग ऑफ वुड जो था वो बह रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, मतलब बेहोश हो गई उसके बाद। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता। अब वो जब उठी तो वो कहाँ थी? कमोरता एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल में थी। From there she was brought to Port Blair, वहाँ से उसको Port Blair लाया गया जहाँ पर वो एक्चुअल में रहती थी। The little girl does not want to talk about the incident with anyone, she is still traumatized. तो देखो उस बच्ची को वापस से Port Blair लाया गया, लेकिन आप सोचो उसके घर, उसके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी नहीं था जीवित, सब मर चुके थे, तो वो क्या करती है? अब छोटी सी बच्ची वो, तो वो किसी के साथ इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करती। आज तक वो ट्रॉमेटाइज्ड है, मतलब कि सदमे में है, उसको इतना गहरा सदमा लगा है कि वो किसी के साथ इस बारे में बात नहीं करती है। सो वी हैव डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, एंड इसमें भी हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें किसके बारे में बात करें। हम बात करेंगे टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। अब ये टिली स्मिथ एक लड़की के बारे में जिसने अपनी, जैसे बोलते ना, अवेयरनेस से कैसे बहुत सारे लोगों की जान बचाई, खुद भी बची, अपनी फैमिली वालों को भी बचाया और बहुत सारे दूसरे लोगों को भी बचाया। सो टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। अब ये थाईलैंड की बात है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट थाईलैंड। तो वहाँ पे एक फुकेट बीच है, बहुत फेमस बीच है वहाँ का। तो वहाँ पे इस लड़की ने बहुत सारी जानें बचाई। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इन टू अ हीरोइन। अब उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, वो बहुत फेमस हो गई ऑब्वियसली, लेकिन उसके पेरेंट्स ने ना उसको कभी भी अलाउ नहीं किया
टेलीविजन पर इंटरव्यू करने के लिए और उसको कभी ऐसे एज अ हीरोइन रिप्रेजेंट नहीं किया. व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि उनके मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया. आप लोग सोचो, मे बी वो उसको वो छोटी थी, वो उसको इतना वो उस हादसे को नहीं चाहते थे कि ये बार बार वो हादसा याद करे ना. नेचुरली जब इंटरव्यू होगा तो बार बार वही बातें होंगी, तो बच्चे के जो बच्चे के दिमाग पे बुरा से भी पड़ सकता था. प्लस वो नहीं चाहते थे कि इतना उसको पब्लिसिटी मिले और वो अपनी पढ़ाई से या मे बी है ना, हम गेस कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, यू कैन फाइंड आउट द आंसर. नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. अब ये स्टोरी थाईलैंड की है और स्मिथ फैमिली जो है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस मना रहे थे. एक रिजॉर्ट में, बीच साइड रिजॉर्ट था और वो सदर्न थाईलैंड का पार्ट था. इसको साउदर्न नहीं पढ़ना है, दिस इज सदर्न, ठीक है. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. हर सिस्टर वॉज 7 years old. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. टिली कितने साल की थी? 10 साल की. और उसकी जो सिस्टर थी वो कितने साल की थी? 7 साल की थी. और उनके जो मम्मा पापा थे उनके नाम क्या थे? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है. यहाँ पे इन्होंने लिखा है टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old. 10 year, इसके साथ 10 के साथ ईयर लिखा है. हर सिस्टर वॉज 7 years old. अब ये ऐसा क्यों है? वहाँ पे ईयर क्यों है और वहाँ पे ईयर्स क्यों हैं, ये मुझे आप बताओगे, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है. सो फाइंड आउट द आंसर एंड ड्रॉप मी अ कॉमेंट. इट वॉज 26 December 2004. आपको ये डेट याद हो गई होगी और इसको याद कर भी लेना. और आपको पता होना चाहिए कि कौन से कैरेक्टर के साथ कौन सी स्टोरी थी, ठीक है, और किसके साथ क्या हुआ था. तो आपको ये सब याद करना है साथ के साथ. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. तो जो डेडली सुनामी वेव्स की लहरें थी वो मतलब अपने रास्ते में थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. अब ये जो सुमात्रा है ये भी एक और जगह है, आइलैंड है इंडोनेशिया का. तो ये जो अर्थक्वेक था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, वो नॉर्दर्न पार्ट में जो जगह है सुमात्रा, वहाँ पे वो आ चुका था, ठीक है. दे हैड बीन ट्रिगर्ड, मतलब कि वो जो वेव्स थी उनको कहाँ से ट्रिगर्ड होता है, कोस्ट, बहुत बड़े, मतलब एक क्यों रीज़न था उनका. और वो इतनी भयानक रूप से कैसे आई, क्योंकि जो जगह थी ये सुमात्रा जो कि एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक हुआ था और इसकी वजह से वो जो सुनामी की लहरें थी वो बनी थी, वो ट्रिगर्ड हुई थी, राइट. एंड द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. अब वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी मतलब सूज नहीं रहा था, उसका स्तर बढ़ रहा था, स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग ऑन, और आता जा रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग. सो पेनी स्मिथ जो है उनको याद था कि उस दिन पे क्या हो रहा था, बीच जो है वो छोटा हो रहा था, मतलब कि पानी का जलस्तर बढ़ रहा था ना, पानी आगे की ओर मूव कर रहा था. तो उसको वो मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे को पता ही नहीं था कि वो मतलब क्यों ऐसा हो रहा था, कि कुछ आइडिया नहीं लग रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. बट टिली को जो था वो उनको अनुमान लग गया कि कुछ गलत होने वाला है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. अब देखना, बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना और अटेंटिवनेस देखना उसकी. उसको लगा कुछ गलत है, जिस तरह का उसने सी देखा ना, उसकी जो मूवमेंट थी वेव्स की, उसको लगा कुछ गलत है. फिर उसने याद किया 2 हफ्ते पहले, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहती थी, वहीं पढ़ती थी, उनको ज्योग्राफी का एक चैप्टर समझाया गया था, उसमें सुनामी के बारे में बताया गया था. और उसके मतलब तभी वो उस चैप्टर के पढ़कर ही, मतलब उन दिनों में ही वो थाईलैंड आए थे अपनी फैमिली के साथ. अब उसको वो चीज़ें वो रिमाइंड हो रही हैं सारा, मतलब उसको वो रिमाइंड कर रही है सब कुछ. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. वो देख रहे थे कि सी जो है उसका जलस्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और फॉर्म वो झाग सी बन रही है, और वर्लपूल होता है ऐसे गोल गोल, वैसा हो रहा है. She remembered that she had seen this in the class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. उसको याद आया कि उसके स्कूल टीचर ने, उसके क्लास टीचर ने जो वीडियो दिखाई थी, जो सुनामी हवाई आइलैंड, ये तो
ये हवाई आइलैंड्स क्या हैं, दिस इज़ ये भी एक ग्रुप है आइलैंड्स का, और 1946 में यहाँ पे भी सुनामी आई थी, तो उसने उस चीज़ को याद किया कि ये तो कुछ वैसा ही सीन बन रहा है. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. उनकी ज्योग्राफी की जो टीचर थी उन्होंने बताया था कि जो सुनामी है वो किस कारण से होती है, ये अर्थक्वेक्स की वजह से, वोल्केनोज ज्वालामुखियों की वजह से जो फटते हैं, और लैंडस्लाइड्स की वजह से. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. उसने एकदम से चिल्लाना शुरू किया कि यहाँ से चलो, गेट ऑफ मतलब बीच से निकलो, बाहर निकलो. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी. उसकी मम्मा बता रहे हैं हमें कि वो उसने चिल्लाना शुरू किया और उसने बातें करना शुरू की, अर्थक्वेक आ रहा है, वो कुछ बोल रही थी, समझ किसी को नहीं आ रहा था, बस वो पैनिक थी कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ रहा है, और मतलब हिस्टेरिकल मतलब बिल्कुल ऐसे परेशान, ऐसे लग रहा था इसको कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके मतलब उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं था. तो उसकी मम्मा ने बताया कि आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, कहते ये कुछ बोल रही थी बट उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि सुनामी होती क्या है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. बट बोला कि मेरी बेटी जो इतनी सीरियस थी, मतलब वो कुछ बता रही थी, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ से बीच से अपने दोनों बेटियों को वहाँ से लिया और होटल में जो स्विमिंग पूल वाला एरिया था वहाँ पे आ गए. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. अब बाकी टूरिस्ट ने भी देखा कि ये कुछ पैनिक हो रहे हैं, भाग रहे हैं, इसका मतलब कुछ गलत हो सकता है, तो वो भी उनके साथ वहाँ पे आ गए. देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. तो क्या हुआ, उसकी मम्मा बता रही कि ऐसा लगा कि सारा समुद्र हमारे पीछे आया और मैं चिल्ला रही थी भागो. तो उसकी मम्मा हम बता रहे हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था, और उन्होंने चिल्लाया कि रन. सो इस तरह से जो देखो उस बच्चे ने कितना अटेंटिवली वो चैप्टर वहाँ पे किया था और उसने कैसे सबको बचाया. अब द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स. अब उन्होंने क्या किया, वो होटल की बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर तक पहुंच गए जाके, ठीक है. अब सुनामी की वेव्स इतनी जायंट और इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बिल्डिंग सबको उखाड़ लेती हैं, बट समहाउ वो बिल्डिंग जो थी, ये सभी बोलते हैं ना कि फॉर्चुनेट थे, लकी थे कि वो बिल्डिंग सस्टेन कर गई. 3 सुनामी की जो वेव्स थी, मतलब सुनामी की 3 वेव्स थी जो बहुत स्ट्रांगली उन्होंने बिल्डिंग पर अटैक किया, लेकिन वो बिल्डिंग हिली नहीं, गिरी नहीं. तो सर्ज होता है फोर्स, एकदम फोर्स से उसकी वेव्स आई थी, और विदस्टूड होता है खड़े रहना, मतलब एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब वो बिना गिरे खड़ी रही बिल्डिंग, ठीक है. और रिफ्यूज होता है कहीं पे हम शेल्टर लेते हैं, जब खतरे से बचकर जब हम शेल्टर लेते हैं. तो सुनामी की जो लहरें थी, 3 लहरों ने बहुत स्ट्रांगली अटैक तो किया था, बट वो बिल्डिंग जो थी वो गिरी नहीं, और ये लकीली बच गए. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो बीच पे ही रहते ना, तो वो कभी भी जिंदा नहीं रहते. तो देखो कैसे जो लड़की थी ये, इसने किस तरह से सबकी, अपनी फैमिली की ही नहीं बल्कि सबकी, औरों की भी काफ़ी और लोगों की भी जान बचाई. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. अब जो स्मिथ्स थे वो मतलब वो लोगों से, दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने पूरी पूरी फैमिलीज उनकी ख़त्म हो गई थी. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड. तो टिली को और टिली के ज्योग्राफी चैप्टर को मतलब बहुत बड़ा थैंक्स है, जिन्होंने फोरवॉर्न्ड मतलब पहले ही सावधान कर दिया. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. जब Tilly वापस स्कूल जाती है इंग्लैंड में, तो वो अपने क्लासमेट्स को इस भयंकर स्टोरी के बारे में बताती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, अपना एक्सपीरियंस बताती है. वो लोग क्रिसमस पर आए थे, वेकेशंस के लिए आए थे, बट उनको क्या पता था कि उनका ये वेकेशन एक भयंकर याद में बच जाएगा. बट देवर फॉर्चुनेट इनफ, देवर लकी इनफ दैट दे ऑल सेव्ड, ठीक है, वो सभी सुरक्षित थे, बच गए, अलाइव रहे. बहुत सारे दूसरे लोग थे जिन्होंने पूरी पूरी फैमिलीज ही अपनी गवा दी थी. तो हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है, अब हम मूव ऑन करेंगे पार्ट 3 में.
हमने पार्ट वन कर लिया, पार्ट टू कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज देखी, देखा हमने किस तरह से सुनामी की वजह से हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कितने कितने एक लार्ज स्केल पर तबाही हुई थी। अब हम बात करेंगे कि ये जो बोला जाता है कि एनिमल्स को पहले पता चल जाता है, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, तो हम उसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। मतलब कि इससे पहले की जो बड़ी जायंट वेव्स थी, बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें थी, वो स्लैम्ड मतलब टकराती इंडिया के और श्रीलंका के कोस्टल एरिया से, तटीय इलाकों से, जो जंगली और पालतू एनिमल्स हैं ना, उनको पता लग चुका था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो भागे सुरक्षित स्थानों की तरफ। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। जो आई विटनेस थे ना, जिन्होंने लोगों ने फील किया, उन्होंने बताया बाद में कि जो एलिफेंट्स थे वो चिल्लाते हुए है ना, स्क्रीम करते हुए हायर ग्राउंड ऊंचे मैदानों की तरफ भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो डॉग्स हैं उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। ऐसे डॉग्स कितने खुश रहते हैं बाहर जाने के लिए। सो फ्लेमिंगोज अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लेमिंगोज जो हैं वो ना, जैसे जहाँ पे नीचे एरिया में जहाँ पे वो रहते हैं, उन्होंने उन एरिया को छोड़ दिया, अबंडेंट मतलब उनको त्याग दिया, राइट। And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. और जो zoo animals थे, उन्होंने मतलब वो अपने shelters की तरफ भागे और उन्होंने मतलब वापस आने के लिए प्रयत्न भी नहीं किया कि वो बाहर जाए, नहीं। मतलब सभी जो animals थे वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि something bad is going to happen and that is how कुछ ना कुछ है। एनिमल्स को पहले ही उनकी जो सिक्स सेंस है वो बता देती है कि कुछ होने वाला है। जैसे मैंने बताया, जब हम छोटे थे हमने भी ये सुना हुआ है कि ऐसा एक्चुअल में होता है। सो अभी ये देखो, आपके पास स्टेटिस्टिक्स इन्होंने दिए कि कैसे कैसे कुछ लोगों ने देखा था, तो उन्होंने देखा था कि क्या क्या हुआ था। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि animals की एक special power है, sixth sense होती है, जिससे उनको पता चलता है कि earth कब हिलने वाली है। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. अब जो experts हैं उनका ये मानना है कि जो animals हैं वो ज़्यादा acute, ज़्यादा करेक्टली अर्थ की जो वाइब्रेशंस हैं उनको जल्दी से और एक्यूरेटली फील कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो जब तक मतलब इंसान को पता चलेगा, उसके पता लगने से काफ़ी पहले ही उनको उस चीज़ का एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है कि कुछ तो कुछ यहाँ पे घटने वाला है। तो ऐसा होता है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। अब इस चीज़ की श्योरिटी तो नहीं दे सकती कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट हमारे पास जो तथ्य हैं वो क्या बोलते हैं, ट्रूथ है, फैक्ट है, वो क्या बोलता है कि ये जो सुनामी आई थी इसने इंडियन ओशन में 150,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत सारे कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में। लेकिन एनिमल्स के मरने के जो आंकड़े हैं वो नहीं है, ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि जो तबाही आई थी वो सबके लिए आई थी, तो एनिमल्स बच गए थे। तो इसका लॉजिक यही दिया जाता है कि वो पहले ही इस चीज़ को फील कर चुके थे और वो वहाँ से सेफर प्लेसेस की ओर मूव ऑन कर चुके थे। अलोंग इंडियास कडलडोर सॉरी अलोंग इंडियास कडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। अब इंडिया का जो कडलोर कोस्ट है, वहाँ पे क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे, लेकिन बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स जो थे वो उनको कुछ भी हार्म नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड। जो श्रीलंका का बहुत फेमस नेशनल पार्क है याला, वहाँ पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द
पतंगला बीच इनसाइड द पार्क. बोलते हैं कि जो वहाँ पे पतंगला बीच था वहाँ से 60 विजिटर्स जो थे, टूरिस्ट जो थे, विजिटर्स थे वो बह गए थे. बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट द टू वाटर बफेलोज. लेकिन टू वाटर बफेलोज के अलावा वहाँ पे किसी भी एनिमल के मरने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई थी. तो अभी इस बात में हम बोल नहीं सकते कि क्या सच है, कि सच में एनिमल्स को पता चलता है. बट हाँ, कुछ तो है, क्योंकि ये बातें हमने भी सुनी हैं. ठीक है, हमने भी सुनी हैं. और एक और आपके सामने एक फैक्ट आएगा. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व दैट एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच. कहते हैं कि जब सुनामी हुई थी उससे एक घंटा पहले जो याला नेशनल पार्क में लोग थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर पतंगला बीच पर जो एलिफेंट्स हैं ना वो भागना शुरू कर दिया था उन्होंने. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galles said his two dogs would not go for their daily run on the beach. So, एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे जो कि गैले एक बीच है वो उसके नज़दीक रहते थे. तो कहते हैं कि उनके दोनों डॉग्स ने उस दिन वॉक पर जाने के लिए मना कर दिया. They are usually excited to go on this outing. और बताते कि अक्सर तो वो बड़े excited रहते थे लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया. He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. लेकिन उस दिन उनके डॉग्स ने जाने से मना कर दिया और इस वजह से वो भी नहीं गए और इसी वजह से उनकी जो जान थी वो भी बच गई. तो इस तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हमारे पास आई हैं, लोगों ने जो अनुभव किया, देखा कि ऐसा ऐसा हुआ था. तो इससे हम कहीं ना कहीं आइडिया तो लगा सकते हैं कि सच में मुझे लगता है एनिमल्स को कुछ ना कुछ फील हो जाता है पहले. और इस तरह से देखा हमने एनिमल्स ने कैसे अपनी भी जान बचाई और अपने जो ओनर से उनकी भी जान बचाई. बट सुनामी ने बहुत सारे लोगों को, घरों को उजाड़ा, बहुत सारी फैमिलीज ख़त्म हो गई, कुछ बच्चे रह गए अकेले, उनका कोई नहीं है, आज तक वो सदमे में हैं. तो सच में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी. हमने चैप्टर से ये हम मोरल ले सकते हैं कि जब भी आपको कोई चैप्टर समझाया जाता है, कोई फैक्ट्स बताए जाते हैं, बेटा पढ़ाई को सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए मत पढ़ो कि हमें बस पढ़ना है, पेपर देने, पास होना है. नो, पढ़ाई का जो उनके जो आपको पढ़ने से सीखने को मिल रहा है ना डे टू डे लाइफ में, उसको आप रिलेट करो और इसका यूज़ करना है, अटेंटिव रहना है. अगर कोई प्रॉब्लम आती है पैनिक नहीं होना है, देखना है कि उस प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताऊंगी विद देयर मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन. टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर.